धनबाद में अपराधियों का दुस्साहस, दिन दहाड़े हत्या, व्यवसायी का मर्डर, गोलियों की आवाज से सहमा कोयलांचल। धनबाद की वीर बाबू कुंवर सिंह कॉलोनी वैसे तो एक पॉश इलाके के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज शाम ये सोसाइटी गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यहाँ अपराधियों ने जमीन कारोबारी समीर मंडल को गोलियों से छलनी कर दी। आनन फानन में उन्हें धनबाद PMCH ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे हम लोग ऊपर में थे तो गार्ड बोले कि आप आइए नीचे, कोई बोले कि आपका गाड़ी वहाँ खड़ा है, कोई गोली मार दी, तब हम लोग दौड़ के पहुँचे तो देखे सब भैया। किस तरह कारोबार से जुड़े थे? जमीन का कारोबार। आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई फॉर्म हो सकता है इसके लिए? सूचना पर सरायढेला थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इस दौरान घटनास्थल से 4 खोखे भी बरामद हुए। सरायढेला थाना में वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में गोली लगने की सूचना मिली है, जो कि जिसको गोली लगी उसको हॉस्पिटल लाया गया है, उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ करके जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी, FIR दर्ज कर गिरफ्तार करवाई जाएगी। क्या नाम है और क्या अभी तो जो पता चल रहा है समीर मंडल है, और पूछताछ करके उससे पता चलेगा कि उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी और भी मिल सकता है, अभी तो 4 बरामद और अभी चेक करेंगे, PO एक बार फिर से देखने पर। कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों का दुस्साहस इसी से समझा जा सकता है कि कैसे उन्होंने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। तो अब सवाल है कि आखिर इस वारदात का मकसद क्या था और आखिर ये अपराधी थे कौन? प्रकाश कुमार, न्यूज 11, धनबाद।